है बोलो की बोलो जिला प्रशासन से क्यों आसे नहीं आसे नहीं जिला प्रशासन से क्यों आसे नहीं पश्चिमबंगर पंचायत निर्वाचन हिंसाकांड सारा देश को दोहलाई देछि। पंचायत निर्वाचन में 50 अधिक लोक मृत्यु होइछि। बंदूक गोली तरवा कादि मारणास्त्र आक्रमण करैछि। तृणमूल कांग्रेस आतंक सृष्टिकारी गुंडा माने एभली लोम हर्षणकारी आतंक सृष्टि कर सारा देश में लोमटांकुरा इतिहास सृष्टि कर बोमा फुटाई घर बजार आदि स्थान को धोईसात करछन्ती ममता गुंडा बाहिनी। एसबुर रिपोर्ट ग्रहण नेबा को पश्चिमबंग जाइछन्ती बीजेपी महिला टीम। पांच जनिया सांसद टीम रे शामिल होइछन्ती भुवनेश्वर सांसद तथा बीजेडी राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता षडंगी। संग्रह करछन्ती ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। अपराजिता को मिलुछि अपूर्व समर्थन। पश्चिमबंग 24 प्रगणा जिले में बुली बुली संग्रह करछन्ती ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। ये दर्द को समझ पाएंगे क्योंकि हम महिला और कल से ऐसा लग रहा है जहाँ जहाँ जिससे मुलाकात प्रत्याशियों से मुलाकात हुई। आज दो प्रत्याशी हमारे पास यहाँ भी बैठे हैं और कल हम देवगंगा में थे वहाँ भी प्रत्याशी महिला थी और उन्हें 4:30 बजे उनका बिना सील बैलेट बॉक्स ले गए और उन्हें वोट देने नहीं दिया। अरे जो प्रत्याशी क्या होगा क्या नहीं होगा तो बाद में बात। तो ये फर्जी इलेक्शन हुआ है, आतंक का राज है, गुंडागर्दी की चरम सीमा है, राजनैतिक हिंसा की चरम सीमा है। अब मुझे लगता है ममता दीदी जो कर रही है इनका फल इन्हें आगामी दिनों में निश्चित तौर पर मिलेगा। मैडम 21 के विधानसभा निर्वाचन के बाद पोस्टल वायलेंस हुआ था, फिर उसके बाद 23 में जो पंचायत चुनाव में जो पोस्टल वायलेंस हो रहे 24 में अभी तो लोकसभा निर्वाचन आ रहे क्या हुआ? नहीं देखिए ये तो ट्रेलर है, आपको सब नजर आएगा जब हमारा लोकसभा निर्वाचन होगा। लोग देखते हैं, लोग समझते हैं। और मैं कहता हूँ ये रविन्द्रनाथ टैगोर का देश है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर लोग बड़े अभिज्ञ हैं और बहुत सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं। दिल में दर्द है, यहाँ के लोग अलग तरह के लोग हैं। बंगाली लोगों के लिए हम सबके मन में बहुत बड़ी श्रद्धा सम्मान का भाव है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ रहे हैं कि परिपक्व लोग हैं और देखिए तो आगामी दिनों में क्या होगा। 2024 में तो पता चलेगा हमारा 18 सांसद भारतीय जनता पार्टी के अभी लोकसभा में बैठ रहे हैं, इसी बात होगा और अभी देखिए क्या होने वाला है। ये तो नजर आएगा तो ये लोग ही जवाब देंगे। देखिए अभी हमारी बहन ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कुछ भी करिए टीएमसी की सरकार को दूर करिए, टीएमसी की सरकार को गुड बाय किया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 13 ओडिशा।